अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों से बात करूंगा वो आप लोगों के माइंड में खास तौर पे तीन किस्म के क्वेश्चन हैं कराची के मौसम के मुताल्लिक। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में यही चल रहा है कि कराची में आया ये जो गर्मी अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके बढ़ने की वजह क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि कराची में बारिश कब होगी, कोई इम्कान हैं इसके। और तीसरा जो आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, आया क्या कराची में आने वाले दिनों में सर्दी हमें दोबारा देखने को मिल सकती है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक मैं जो है तफसील से चीज़ें गाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ गाइड करूं, कराची में जो गर्मी आप लोगों को देखने को मिल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो WD का अपर एरियाज में होना। और ये WD जो है ख़ास तौर पर काफ़ी पावरफुल WD है, जो कि अपना इम्पैक्ट खास तौर पे 17 तारीख की रात से 21 फरवरी तक जो है ऑफ एंड ऑन जो है वो शो करेगा। खुसूसन जिन एरियाज में आप लोगों को रेनफॉल, स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म देखने को मिलेगा, उसमें जो पाकिस्तान के इलाके हैं जिसमें गिलगित, कश्मीर, KPK, पंजाब के इलाके और बलूचिस्तान के इलाके, तो इन इलाकों में जो है रेन एक्टिविटी, स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म अच्छे चांसेस मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक सिंध और कराची की बात है तो इस सिस्टम से कराची में, खुसूसन कराची में और सिंध के किसी एरियाज में कोई रेन एक्टिविटी का इम्कान मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पर 17 से लेकर 21 फरवरी के दौरान। तो ये जो सिस्टम है ये ख़ास तौर पर 17 से 21 तारीख फरवरी तक जो है KPK में और गिलगित वगैरह में जो है अच्छी स्नोफॉल और हिल स्टॉर्म करेगा। जहाँ तक पंजाब वालों को मैं इस वीडियो में बताऊँ तो आप लोगों के यहाँ जो है 17 से 21 फरवरी के दौरान जो है ऑफ एंड ऑन रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और हैवी रेनफॉल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है, मूसलाधार बारिश। तो ख़ास तौर पे लाहौर वाले जो हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, काइंडली मोहतात रहें। और जो पंजाब के इलाके हैं जिसमें गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलून, चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, जंग, सियालकोट, नारेवाल, लाहौर, कसूल, यहाँ पे जो है तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ वफ़े से दरमियानी से मूसलाधार बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहाँ तक पंजाब की लोअर बेल्ट का इलाका है जिसमें मुल्तान वगैरह है, लहिया है, कोटद्दू वगैरह है, राजनपुर है, डेरा गाजी खान है, यहाँ पे 18 से 19 फरवरी को आप लोगों को रेन देखने को मिलेगी। और बलूचिस्तान वालों में जिसमें जोब, इसके अलावा किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, लोराराई, जियारत, कोयटा वगैरह, यहाँ पे 18 से 19 फरवरी तक जो है इम्कानात मौजूद है। ख़ास तौर पे जियारत में जो है वो स्नोफॉल के भी चांसेस मौजूद हैं। अब कराची वालों को जो है फर्दर आगे गाइड कर देता हूँ कि गर्मी की वजह मैंने आप लोगों को बताई ये WD का होना। और जैसे ही ये WD जो है अपर एरिया से जो है ये WD जो है वो आगे की तरफ मूव होगा, तो आने वाले दिनों में जो कराची के और ख़ास तौर पे जो सिंध के टेम्परेचर जो मॉडल शो कर रहे हैं वो सिंगल डिजिट्स तक भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखें, वैसे तो अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर है, और खुसूसन जो कि नवंबर दिसंबर में हमें सर्दी देखने को मिलती थी और वो सर्दी जो है लग रहा है ऐसा शिफ्ट हो रही है, और जनवरी फरवरी में जो है इस तरह का स्नोफॉल, और जैसे ही स्नोफॉल ख़त्म होगा इसके बाद जो है टेम्परेचर डाउन की तरफ जाएंगे, तो एक जाती हुई सर्दी आप लोगों को दोबारा जो है देखने को मिल जाए। ख़ास तौर पे कराची वालों को अगर मैं डेट दूँ तो 24 फरवरी से टेम्परेचर को नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। इस दौरान जो है 24 फरवरी से जो है कराची में आप लोगों को टेम्परेचर फिर जो है ड्रॉप होते हुए नज़र आएंगे। तो ये तो हो गई कराची में गर्मी की रीज़न और सर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बारिश कब होगी, तो जैसे मैंने आप लोगों का कहा कि इस सिस्टम से कोई चांसेस जो है मौजूद नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे GFS का मॉडल है वो मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया था कि 26 से 27 फरवरी के दौरान जो है वो रेन एक्टिविटी शो कर रहा है, काफ़ी अच्छी रेन एक्टिविटी शो कर रहा है। और इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन आप लोगों को कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ, स्पेशली विंटर रेन और ये WD के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये माइंड में रखें कि ये जो WD होते हैं इनकी जो
पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है रेन शो करने की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपर एरियाज में माउंटेन एरिया या हिल एरियाज के ऊपर इज़ा काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू साहिली इलाकों के कोस्टल एरियाज से। वहाँ पे वेरिएशन इन मॉडल्स के अंदर मौजूद होती है। ऑथेंटिसिटी की अगर बात करूँ कि अगर अपर एरियाज में इसकी ऑथेंटिकेशन अच्छी होती है, लोअर एरियाज में वेरिएशन इसलिए रहती है क्योंकि जो डब्ल्यू डी होते हैं ये अपर एरियाज की अपर लेटीट्यूड के ऊपर होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे इनकी जो जो रेन एक्टिविटी शो करने की प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही ये लोअर एरियाज के ऊपर आते हैं यानी कि जनूबी इलाकों में आते हैं, खसूसा जैसे हमारा कराची है, तो यहाँ पे वेरिएशन रहती है क्योंकि अपर एरियाज लोअर एरियाज के ऊपर जो है डब्ल्यू डी के साथ और भी फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को एम जी ओ के बारे में गाइड किया था। क्योंकि एम जी ओ फेज़ जो है उसकी जो फेज़ है वो फेज़ 7 और 8 के दरमियान थी, और आने वाले दिनों में जो है वो 8 के ऊपर आएगी, और 8 के ऊपर अगर जो अभी तक मॉडल शो कर रहे हैं वो वीक कर रहे हैं, तो एम जी ओ का होना जो होता है बहुत अच्छा होता है, खुसूसन कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से और बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं जिसमें सी ब्रीज का होना है, फिर उसमें ह्यूमिडिटी कैसी है और मॉइस्चर कैसा है, जैसे आप लोगों ने फरवरी के स्टार्ट में देखा था। तो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कराची में बारिश के जो चांसेस जो कि अभी तक जीएफएस के मॉडल शो कर रहे हैं उसमें से 26 फरवरी तक, और बस इसमें एक चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि वेरिएशन बिल्कुल रहेगी, वो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में रिक्वेस्ट उन लोगों से ले है कि जो लोग चैनल को विजिट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो मुझे फ़ायदा इसका हो जाएगा, मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।